हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वी चैनल। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप कभी अपने वीडियो में नहीं आते, तो लो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने खुद आ गया हूँ आज। तो सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरा चैनल आपकी वजह से ग्रो हुआ है। तो थैंक्स टू ऑल। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने के लिए मैं खुद आया हूँ कि ऐसा है कि अभी ऑलरेडी टेंडर्स रिलेटेड वीडियोस मैंने बहुत बनाए, जैसे कि पीएसयू सब कवर कर लिए, टेंडर्स कैसे सर्च करना है, टेंडर सबमिट कैसे करना है, मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर चुका हूँ। तो फिर भी आपको कुछ इश्यू रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन जल्दी दूंगा। टेंडर रिलेटेड वीडियो आप देख के बहुत बोर हो चुके रहेंगे, तो मैं टेक्निकल रिलेटेड कुछ वीडियो डालने वाला हूँ, टेक रिलेटेड। तो चैनल को थोड़ा ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प से टेक रिलेटेड वीडियोस आएंगे, कुछ आइडियाज रहेंगी और टेंडर तो साइड बाय साइड चलता ही रहेगा, बिकॉज जो भी कुछ नए आएंगे मैं वो डालता रहूंगा उसमें। तो जैसे कि मैं खुद आया हूं तो आज एक वीडियो तो बनता है। तो आज का टॉपिक आपने देखा रहेगा थंबनेल में ऑलरेडी कि टाइप्स ऑफ टेंडर्स। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको मेरे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ लैपटॉप पे, फिर आके बात करते हैं, चलते है? तो फ्रेंड्स, हम लोग मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अभी आप क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं ई प्रोक्योर। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, वो भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, तो एक बार जाके वॉच कर लीजिए। तो यहाँ पे सिंपली ये आपका डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस सर्च पे। एडवांस सर्च पे चेक करने के बाद यहाँ पे लिखा है टेंडर टाइप, जो मेरा टॉपिक है आज का। तो टेंडर टाइप में यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली, ये देखिए यहाँ पे दो कैटेगरीज टेंडर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था। एक्चुअली तीन कैटेगरीज टेंडर्स है, ओपन, लिमिटेड और सिंगल। बट सिंगल टेंडर अभी यहाँ पे शो नहीं करेंगे, बिकॉज वो डायरेक्टली वो पर्सन के पास जाते हैं जिसने ऑलरेडी प्रीवियस सप्लाई या फिर पहले काम किया रहेगा, उसके पास जाता है टेंडर्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन टेंडर्स कैसे रहते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ओपन टेंडर्स, यहाँ पे कैप्चा फिल कर देता हूँ FC77SE, यहाँ पे दिया हुआ है वो सिंपली यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। तो सब जितने भी ओपन टेंडर्स रहेंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे ओपन टेंडर्स है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टेंडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ओपन टेंडर्स। तो यहाँ पे देखिए टेंडर टाइप ओपन टेंडर्स वर्क्स। तो ये ऐसा होता है कि यहाँ पे टेंडर्स ओपन रहेंगे तो कोई भी यहाँ पे सबमिट कर सकता है अपना बिड। बट एक ही है शर्त यहाँ पे कि आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं रहेगा तो आप टेंडर सबमिट नहीं कर पाओगे। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, तो वो सबसे मस्ट है, भले आप ओपन टेंडर करो या फिर लिमिटेड टेंडर करो। तो ये है ओपन टेंडर्स कैटेगरी। ओपन टेंडर में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज बहुत सारे लोग कोट करते हैं, एक साथ टेंडर सबमिट कर देते, तो चांसेस बहुत कम रहता है। तो आपको मैं एक आइडिया बताऊंगा कैसे करने का। तो ये रहा ओपन टेंडर्स, मैं इसको बैक कर देता हूँ, आपको लिमिटेड भी दिखा देता हूँ कि कितनी कैटेगरी रहती है, कैसे शो करता है। सिमिलरली ऐसे ही शो करेगा, फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिमिटेड टेंडर्स सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिमिटेड कर दिया। सिंपली यहाँ पे कैप्चा तो डालना पड़ेगा FC77SE, तो यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये अभी लिमिटेड टेंडर शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है लिमिटेड टेंडर्स। फिर भी आपको यहाँ पे जाके अंदर दिखा देता हूँ डिटेल्स में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा लिमिटेड। तो गाइस, मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि लिमिटेड और ओपन में क्या फर्क है। ओपन में आप कोई भी कैटेगरी में आप किधर भी जाके आप कोट कर सकते हो। लिमिटेड में ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम रहता है। यहाँ पे अगर 500 लोग रहेंगे ओपन टेंडर में तो मिनिमम लिमिटेड में सिर्फ 50 रहेंगे, 50 रहेंगे। तो जैसे कि बोला मैंने आपको, यहाँ पे ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट जाके क्लिक करना है, ये फॉर्म फिलअप करना है, अपनी कैटेगरी चूज करने मत भूलिए। जैसे कि आप हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो भी आपकी कैटेगरीज रहेगी, जो भी आपकी प्रोडक्ट रेंज रहेगी, उसमें आप एक बार रजिस्टर कर लो। एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको लिमिटेड टेंडर्स आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे, जो आपको आपको ही मिलेंगे, बाकी ओपन टेंडर्स में नहीं दिखेंगे। यहाँ पे एक ही एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो ये साइट है, अगर मैं इसको बैक कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे शो दोनों भी करेंगे, ओपन टेंडर और लिमिटेड टेंडर भी।
बट आप जो सबमिट कर सकते हो वो सिर्फ ओपन टेंडर, अगर आपने पर्टिकुलर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है लिमिटेड पर्टिकुलर कैटेगरी में तो आप दोनों भी टेंडर सबमिट कर सकते हो, लाइक ओपन टेंडर भी और जो आपकी कैटेगरी में आएगा लिमिटेड टेंडर वो भी। तो इसमें एडवांटेज ये है कि आप जाके यहाँ पे सीधा यहाँ पे रजिस्टर कर लो, अपनी कैटेगरी चूज कर लो, तो जो भी कुछ टेंडर्स निकलेंगे आपके डायरेक्टली ईमेल अकाउंट में मिल जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, ओपन टेंडर और लिमिटेड टेंडर। इस पे हम लोग बाद में बहुत डिस्कशन करेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए तो बस इतना ही मैं बताऊंगा कि ओपन टेंडर और लिमिटेड में क्या फर्क है और कैसे मिलेगा। तो चलते हैं बैक टू पेविलियन अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस आपने वीडियो तो देखा रहेगा, आई होप आपको अच्छा लगता रहेगा। सो टेंडर्स में मैंने बताया कि जैसे दो कैटेगरीज रहती है, ओपन लिमिटेड। ओपन में जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियोस में, और ये लिमिटेड। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।